Hey guys, lecture two, introduction programming में आपको खुशामदीद कहते हैं और आज हम जो हैं अपना प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। कुछ चीज़ें पहले आपको बता दूँ कि इक्लिप्स के साथ कैसे काम करना है। सबसे पहले हम न्यू पे आएंगे और जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा प्रोजेक्ट का नेम, और अगर आप कोई स्पेसिफिक लोकेशन में इसको स्टोर करना चाहते हैं तो आप ब्राउज करके उसको वहीं पे स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास लोकेशन आ गई है, आप कहीं भी वैसे स्टोर कर सकते हैं। सपोज मैं डेस्कटॉप पे स्टोर करता हूँ, लेकिन आपकी मर्ज़ी है। तो मैं डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे सेव करूँगा, मैं कहूँगा फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। वैसे अपर केस पहले दे सकता हूँ। यूज़ एन एक्जीक्यूटेबल इन्वायरमेंट जेआरई, इसका मतलब है कि जो कंपाइलर जो भी आपने इंस्टॉल किया जावा वो इसने सिर्फ डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। और हम क्लिक हम आगे भी जा सकते हैं और हमसे और बाकी चीज़ें बोल सकते हैं, लेकिन हम उसके साथ अभी ताल्लुक़ नहीं रखेंगे, हम बाद में इसे देखेंगे। तो मैंने किया इसे फिनिश, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ सोर्स है और जेआरई की लाइब्रेरीज हैं जो कि सिस्टम से आई हुई, उसको हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले करना क्या है हमने कि आप फाइल पर जाना है न्यू, और न्यू में आके क्लास बनानी है। क्लास के लाइक क्लास क्या है, एक नॉर्मल फाइल है, लेकिन इसके और भी मीनिंग्स हैं जो इस कोर्स में हम डिस्कस नहीं करेंगे। जस्ट आपने कहना है कि माय क्लास कह देना है इसे, इन बाकी सारी चीज़ों से कुछ नहीं कहना, और आपने ये वाला टिक कर देना है क्योंकि हमें एक मेथड चाहिए। मेथड में बताऊंगा क्या चीज़ होती है, वो इसमें आ जाए। अब ये आगे प्रोसेस कर रहे हैं उसे, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, मैं ये हटा देता हूँ। अच्छा, जब आप इस को देखेंगे तो आपको काफ़ी परेशानी होगी कि ये क्या लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है। थोड़ी देर के लिए आपको चंद चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा, तो आप फ़िलहाल के लिए इसे इग्नोर कीजिए और इसे इग्नोर कीजिए। इन दो पैरेंथेसिस के दरमियान, सॉरी कर्ली ब्रेसेस के दरमियान जो कुछ भी लिखा आ रहा है उससे हमारा ताल्लुक होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी कंप्यूटर पर काम होता है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है जो हम इसे करवाते हैं, उसको हम स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी कमांड हो उसे हम स्टेटमेंट कहते हैं। तो सपोज़ मैं एक कमांड लिख रहा हूँ, ये आपको बिल आप जो नए हैं प्रोग्रामिंग के लिए उनके लिए बिल्कुल अजीब सी होगी, लेकिन परेशान होने की बात नहीं। हेलो देयर, ठीक है। अच्छा, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ सकें इसको तो ये कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि इस पार्ट को आप इग्नोर कर दें और यहाँ चेक करें, ठीक है। बल्कि मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो ये दरअसल एक प्रिंट का फंक्शन है, प्रिंट ये प्रिंटर पे नहीं करता, ये दरअसल प्रिंट करता है। यहाँ हम कहते हैं इस पोर्शन को कंसोल। अगर आपके पास नहीं है, ठीक है, तो आपने विंडो में जाके शो व्यू पे करना है क्लिक, और यहाँ कंसोल होगा उस पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि ये दिख जाए आपको। ये उस पर जो है अपनी राइटिंग दिखाएगा, जो भी मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है। ये मुझसे पूछता है कि आपने सेव एंड मर्ज करना है, मैं उसे ओके करूँगा, और ये देखिए जो भी मैंने यहाँ लिखा था वो यहाँ पे आया। अभी इतना मुतासर कुन है नहीं, ठीक है, लेकिन एक मेन बात आप याद रखिए कि मैंने जो भी इसे कमांड दी, ठीक है, प्रिंट की कमांड दी, और मैंने कहा कि ये अल्फाज वहाँ पे प्रिंट कर दें, और उसने इस चीज़ को ओबे किया, ठीक है। तो प्रिंट एक स्टेटमेंट है जो कि ऑपरेशन परफॉर्म करती है। अच्छा जी, किस चीज़ पे ऑपरेशन परफॉर्म करती है? जो उसको दिया जाए, इसको हम कहते हैं इसका पैरामीटर जो भी आप उसे कहेंगे, ठीक है। इसका पैरामीटर है जो इसके ऊपर काम करता है। ये इसे हमने टेक्स्ट दिया कोट्स के अंदर, ठीक है, और इन कोट्स को लेकर उसने प्रिंट कर दिया, हेलो देयर माय नेम इज़ हाँ, ठीक है। तो मैं इसे फिर से जो है सेव एंड लॉन्च करूँगा। ये रन की कमांड बटन है, इस पर क्लिक कीजिएगा, ये आपकी क्लास रन कर देगा, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, तो मैं आपको फिर से दोहराना चाहूँगा कि आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो एक पैरामीटर लेते हैं आपसे, ठीक है, और उसकी कोटेशन के अंदर जो भी लिखा होता है वो करते हैं, उसे प्रोसेस करके प्रिंट कर देते हैं। हर एक स्टेटमेंट ऑलमोस्ट जावा में टर्मिनेट की जाती है, ख़त्म की जाती है सेमी कॉलम से, ठीक है। तो मोस्टली हर स्टेटमेंट जो है वो सेमी कॉलम से निकलती है। तो अगर मुझे कुछ और लिखना हो, ठीक है, तो स्टेटमेंट डॉट प्रिंट, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ हेलो अगेन, ठीक है। यहाँ एक प्रॉब्लम है, मैं आपको दिखाऊँगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हेलो अगेन और माय नेम इज़ खान और यह हेलो अगेन जो है वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं। इसे फिर कहूँगा
यहाँ देखिए, लेकिन सपोज मैं जो है ये चाहता हूँ कि ये दोनों एक लाइन पे ना आए, ये दोनों नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। मेरे पास दो तरीके हैं, यहाँ तो मैं फॉरवर्ड स्लैश एंड लिख दूँ, ठीक है, वो यहाँ पे न्यू लाइन डाल दें, ठीक है, तो मेरे जो हेलो टेक्स है वो नीचे आ जाए, या फिर मैं जो हूँ एक मेथड है न्यू प्रिंट लाइन का, जो एक स्टेटमेंट है वो ना कि सिर्फ प्रिंट करती है बल्कि नेक्स्ट लाइन भी डाल देती है, इसको हम नेक्स्ट लाइन कहते हैं, तो ये वो काम करेगा, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसे सेव कर देता हूँ, और ये देखिए कि इसने जिस तरह की ये स्टेटमेंट प्रिंट की, स्टेटमेंट है वो कोटेशन प्रिंट की, उसके बाद उसने नई लाइन डाल दी, और फिर मैंने जब प्रिंट किया तो उसने हेलो अगेन नीचे डाल दिया। अब जो कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो इंसानों की बोलने वाली हो या कंप्यूटर की, वो कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए बनाई जाती है, ठीक है। जिस तरह इंग्लिश नॉर्मली सब्जेक्ट पहले आता है, बीच में वर्ब होता है, और ऑब्जेक्ट बाद एंड पे होता है, इसी तरह इंग्लिश जिस तरह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती हैं, तो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम सिंटैक्स कहते हैं। इन सिंटैक्स को यूज़ करके हम प्रॉपर स्टेटमेंट्स बनाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं सपोज इससे इसका रूल है कि इसको एंडिंग एंडिंग ब्रैकेट जो है इसको चाहिए होगी, वो मैंने हटा दिया, अब इक्लिप्स जो है मुझे कह रहा है कि आपने सिंटैक्स एरर किया हुआ है और आप इसको ठीक कीजिए, तो मैं इसे ठीक कर दूंगा, या मैं फिर यहाँ से कोड हटा देता। तो जो आपका कंपाइलर है, जो इक्लिप्स है, वो आपसे कंप्लेन करेगा कि आपने सिंटैक्स में गलती की, और मैंने इसे दोबारा से कोड लगाया तो ये ठीक हो गया। तो ये सिंटैक्स है, इसको से आप अगर कोई गलती करेंगे तो ये आपके लिए एरर क्रिएट करेगा। अब कंप्यूटर प्रोग्राम्स है ना सिर्फ स्टेटमेंट्स में सिर्फ जो है आपके लिए स्ट्रिंग्स नहीं प्रिंट करता, बल्कि ये आपके लिए मैथ भी प्रोवाइड कर सकता है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, अब जो है मैं कोटेशंस को हटा दूँगा और अंदर कोई मैथ का ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा, तो मैं लिखूँगा 1 + 1, और उसका रिजल्ट हम देखना चाहेंगे। और यहाँ पर चेक कीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हेलो देयर, 8 − 1 = 2। तो नॉर्मल जो कैलकुलेटर पे ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं वो इस तरह होते हैं। ये आपको जस्ट बताने के लिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मोस्टली हम मैथ को जो है इस्तेमाल करते हैं, मैथ की स्टेटमेंट्स हो गए, ना सिर्फ 1 + 1 बल्कि 2 × 3 भी ये परफॉर्म कर सकता है। इसको सेव करता हूँ और रन करता हूँ, तो ये देखिए 6। हम इसे और भी पेचीदा स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, ठीक है, और जो है और भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको समझाना कि कंप्यूटर जो है वो मैथ के ऑपरेशंस बआसानी कर सकता है, ये आपको समझाना मेरा फ़र्ज़ था, ठीक है। अब बात आती है एक और टॉपिक के ऊपर, और वो है वेरिएबल्स की, ठीक है। तो वेरिएबल से पहले मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाहूँगा, वो ये कि आप जो हैं इन स्ट्रिंग्स के ऊपर एक और ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, एंड आई एम हैप्पी मैं कह दूँगा। इसे जब दो स्ट्रिंग्स की, ये जो कोटेशन में लिखा होता है इसे हम स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है, जो लिखाई होती है ये बगैर कोटेशन के, इसे हम इंटीजर्स या नंबर्स कहते हैं, इंटीजर स्पेशली करते हैं कहते हैं, वो नंबर्स की एक खास किस्म होती है, ठीक है। तो ये दोनों के ऊपर अगर स्ट्रिंग्स के ऊपर मैं प्लस का निशान डालूँ तो होता ये कि ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं। यहाँ पे चेक कीजिए, ये देखें कि वो जो है आई एम हैप्पी, ये इसके साथ कनेक्ट हो गया। ये आपको समझाना था, अभी आपको मैंने समझाना है वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स दरअसल आपके पास एक लेवल के थ्रू कोई डेटा है वो स्टोर किया जाता है। सबसे पहले आप सोचेंगे कि आपको वेरिएबल्स की क्यों ज़रूरत है, वो दूसरी बात है कि उसको यूज़ किस तरह करना है, ठीक है। तो सपोज़ अगर मैं कुछ ऐसा प्रोग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, और सपोज़ माय नेम इज़, मैं अभी अपना प्रोग्राम प्रॉपर नाम लिखता हूँ अली, ठीक है, एंड और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि और क्या लिख सकता हूँ, माई नेम अली वाज गिवन टू मी बाय माई मदर, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि अली अली जो है ना बहुत सारी जगह पे जिक्र हो रहा है, ठीक है। तो सपोज़ ये प्रोग्राम अगर मैं किसी और के लिए बनाता और उसका नाम असद होता, ठीक है, तो हमें काफ़ी मुश्किल हो जाती, क्योंकि हमने ये तो दो लाइनों का प्रोग्राम है, लेकिन अगर प्रोग्राम
700 लाइनों का, 1000 लाइनों का, 2000, 2 लाख लाइनों का हो और हर जगह मुझे अली जाके चेंज करना हो तो ये काफ़ी प्रॉब्लम हो जाए। तो मुझे इस तरह का प्रोग्राम नहीं चाहिए, मुझे बेहतर होगा कि कोई आसानी हो जहाँ पे मैं इस अली को चेंज करता हूँ। तो हमारे पास एक रास्ता है, तो सबसे पहले मैं ऊपर जाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ स्ट्रिंग, ठीक है, जिस तरह मैंने जिक्र किया था, स्ट्रिंग लिखूँगा नेम और यहाँ पर डबल कोट्स में मैं लिखूँगा अली, ठीक है, और यहाँ पर मैं सेमी कॉलन डालूँगा ताकि इस स्टेटमेंट को मैं टर्मिनेट कर सकूँ, ठीक है। तो इस वेरिएबल का नाम है, ये याद रखिए, इसमें डबल कोट्स कोई नहीं है, सिंपल नहीं है, इसको मैं अभी भी इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और इस अली को हटा देता हूँ, इसमें स्पेस हो और यहाँ पे प्लस लिखूँगा नेम। तो होगा क्या कि यहाँ पे जो नेम है उसकी वैल्यू अली यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बीच में जो है वो लिखा हुआ है अली, तो मैं यहाँ पर डबल कोट डाल देता हूँ, दो प्लस ऑपरेटर्स लिख देता हूँ और बीच में लिख देता हूँ नेम, ठीक है। होगा क्या कि ये तीनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो हम अपने प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं और रन करते हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं कि रिजल्ट सेम है, लेकिन मज़ेदार बात ये है कि अब मैं ऐसे चेंज कर सकता हूँ और मैं लिख सकता हूँ असद, और हर जगह जहाँ पे लिखा होगा असद, जहाँ पे लिखा हुआ था अली, वो चेंज होके असद में चेंज हो जाएगा। अब सिर्फ वर्ड्स नहीं लिखे जा सकते बल्कि नंबर्स भी लिखे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक टाइप है वेरिएबल की, हम वेरिएबल्स टाइप को बाकायदा से पढ़ेंगे, लेकिन ये कि आप इसमें नंबर भी डाल सकते हैं और नाम भी डाल सकते हैं। लेकिन एक बात ये है कि आप इसके ऊपर कोई मैथ के मतलब कि मैथ का ऑपरेशन कोई परफॉर्म नहीं कर सकते। तो अगर मैं यहाँ पे 1 + 2 लिखूँ, ठीक है, और आप एक्सपेक्ट करेंगे 3, लेकिन वो नहीं होगा, यहाँ पर 1 + 2 ही आएगा। तो अगर आपने 1 + 2 करना है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे इंट टाइप वेरिएबल, ठीक है। तो मैं कहूँगा माई नंबर, ठीक है, और मैं कहूँगा 2 + 3 और मैं उसे सेमी कॉलम कहूँगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कहेगा कि 2 + 3 को 5 को इस माई नंबर में स्टोर कर देगा। अब इसको मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ एंड पे, और मैं उसे एंड पे आके अब वो इसे कंकैटिनेट कर देगा। भला ये नंबर हो और ये स्ट्रिंग हो कोई बात नहीं है, दोनों आपस में कंकैटिनेट हो जाएंगे और हमें नज़र आएगा कि एंड पे लिखा हुआ है 5। तो ये इस तरह स्टेटमेंट काम करती हैं, इसी तरह वेरिएबल स्टेटमेंट्स के साथ काम करते हैं, और इन दोनों को इस्तेमाल करके हम अपने प्रोग्राम्स को रोबस्ट और आसानी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया, अगले लेसन में मिलेंगे।